जिसका मन साफ नहीं रहता ना वो कहे जे और मारा भाई फिर जाता ही। अरे बाट रोटी जान कहां सो आ गई। हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। और आज अपने वन डे वन फॉलोवर मीटअप टास्क में आज अपने 86 नंबर का डे और उसमें इंस्टाग्राम फॉलोवर 22 सुमित सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी है गोदावरी धाम। तो अभी अमन भाई से गोदावरी धाम मिलने के लिए चल रहे हैं और आप सब मेरे व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सब लोगों के हाल चाल कैसे हैं? मेरे हिसाब से तो चकास होंगे, क्योंकि देखो भाई, हर एक आदमी को चक्की रहना चाहिए, बेहतर चीज़ें करनी चाहिए। डे 85 का व्लॉग है वो अपने यूट्यूब चैनल कोटा राइडर्स पर आ चुका है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख लो। और भाई एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं सारी पब्लिक से, आज मैंने एक इंसिडेंट देखा मैंने। हम क्या है, जहाँ सुबह सुबह चाय पीने चल जाता था मैं, तो 4-5 साल से जिस जगह पे वो चाय जी वाला लगाता था, तो भाई उस मकान मालिक ने आज क्या किया, उस आदमी से दुकान खाली करवा दी भाई ने। अब उसमें वो खुद आदमी खोलना चाहता है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तब मुझे आज के टाइम में एक बात समझ में आई कि आज के टाइम में आपकी मेहनत को भी खा सकते हैं लोग। मतलब आप कितने भी अच्छे से मेहनत करो, उस मेहनत का जो निचोड़ और जो सारी चीज़ें हैं ना, एफर्ट, आपकी कोशिश, आपका तरीका, हर एक चीज़ की कद्र को भी आदमी खा सकते हैं आज के समय में। सेड रियलिटी है भाई लोग, ये सब कलयुग का दौर है और कलयुग का प्रभाव भी लगता है मुझे तो। पर मैं एक बात में विश्वास करता हूँ कि किसी भी आदमी का कर्म कोई भी आदमी नहीं ले जा सकता, ना ही किस्मत में लिखा हुआ कोई छीन सकता है। पर मुझे आज काफ़ी बुरा लगा, तो सब भाइयों से अनुरोध है भाई कि अपन लड़के हैं तो क्या है, आप आमने सामने क्या है, सहयोग की भावना रखने में फ़ायदा है। क्योंकि लड़कों की ना तो कोई सलामती की पूछता है ना ही कुछ पूछता है, बस लड़कों से अगर कुछ पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है और भाई कितना छाप रहे हो, अगर कोई छोरो ना छाप रहे हो या नहीं कमाता है तो फिर उससे कोई भी आदमी कुछ पूछता उछता भी नहीं है। और अभी अपन क्या है, सुमित भाई के पास में पहुंचने वाले हैं, जो शायद यहीं पर वेट कर रहे होंगे। अच्छा कहाँ जा रहे हो? अच्छा तेरा तो बर्थडे था ना कल। और मारा भाई हो गया, मैं इसकी बात सुन गया था, 6 बार बुला लिया इसने आपको यार। ये 2-3 बार मिल गया मुझे। अभी कहाँ से आया? अच्छा इधर ही है इसका घर। कहाँ, कहीं जाना है? जरा रिदा हो तो इसको जल्दी थी। अपन एक काम करते हैं, उस गेट पे वहाँ ले लेते हैं गाड़ी, ठीक है ना, बातचीत हो जाएगी, तुम्हारा टाइम भी बर्बाद। हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। तो अपन क्या है भाई, सुमित के पास में पहुंच चुके हैं, जो क्या है दिखने में भी बारी है और ये क्या है बारी मोटरसाइकिल भी लेके है। भाई तुझे बुलेट चलाने आती? बुलेट चलाने में 2 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस? अरे 18 का है? नहीं 14 साल का ही होता। ये देख भाई, आजकल की जनरेशन एडवांस होगी,
14 साल को आदमी भाई मान दो ना, 20 साल का अंदर ना, वो टटबू जी कहेगा जी साइकिल दे चमक दे गलती से। अरे अभी तो पहला लिए सरकार आएगी तो सरकार ही अपनी है। और यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू गैंग भी है, तो अभी एक बार के पहले नाम पूछ लेते हैं सबसे। क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु। सन्नी गुजर। समर प्रताप। हेमन गुजर। सुरेश गुजर। मुकेश गुजर। और इनमें क्या है, जो ये कहाँ गया, ये शर्मिला टैगोर का फैन, ये गया कल भी अपन को मिला था। और तुझे फिर से क्या लेट बर्थडे की बधाई लेने आ गया तो आज फिर है? छोटे बच्चे रहते हैं, एक्साइटमेंट की वजह से क्या है, जो करीब रहता है ना तो वो आ ही जाता है। तो भाई सुमित कैसा लग रहा है भाई आज मिले हो? अच्छा लग रहा है भाई, मेरे को तो एक्साइटमेंट तो भाई मिलेंगे तो क्या क्या बात करेंगे, क्या होगा ये। अच्छा क्या अच्छा लगा ब्रो? नेचर अच्छा लगा भाई, आपको नेचर अच्छा लगा। तो जैसे मिले ही नहीं थे तो फिर नेचर का कैसे हवा लगी कि यार कैसा नेचर? नहीं जैसे आप वीडियो में बात करते थे ना तो पता लग जाता था कि आप कैसा आदमी हो, मतलब बिहेवियर कैसा आपका। अच्छा और तुम भी मुझे फॉलो करते हो? अच्छा तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा मिलता है, मैं दूसरों को देखता हूँ आपकी वीडियो देख, मतलब जैसे आप ब्लॉग बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, आप जैसे बातें करते हो आरती में मजा आता है, आप जैसे डायलॉग बोलते हो ना उसमें मजा आता है। तो पता है सुमित तुम भी मुझे जानते हो, आज ही देखा है। चलो कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा हुआ, मतलब देखने में मजा आया, आज एक वीडियो देखी वो भी बढ़िया लगी मेरे को। तो पता है भाई सुमित मैं तुमसे कह रहा था ना कि यार पता है मैं एक चीज के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे अभी थोड़े बहुत दिन से दिक्कत चल रही है। पता अपने यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारे पास फोन है ना, तो यहाँ का है जब प्रत्येक लड़का जो है ना उसको क्या है, खुद को स्टार बनने की क्या है भूख है। सही बात है, प्रत्येक लड़का यहाँ पे क्या है स्टार बनना चाह रहा है। अब जैसे मान स्टार बन गया या फिर स्टार बनने की कोशिश कर रहा है तो सब चाहते है तू मारी स्टोरी लाइक कर, फिर उतारिन करूं, अगर तन न करी तो मूवी न करूं, ऐसा होता है क्या? होता है भाई, होता है। अब ये बात बता, इस चीज से नुकसान अभी बताए मैं भुगत रहा हूँ, क्योंकि अपन क्या है एक तो सही चीजें कर रहे हैं। अरे आता नहीं था गलत चीजा तो आजकल का छोरा छोरी बढ़िया लागत। अरे सही चीजों को तो यूं समझते हैं, अरे ज्ञान पेलज रहे बाल उठी, सही बात है। जबकि एक बार बता भाई, सही चीज तो सही चीज होती है ना। तो यहाँ जो पब्लिक है ना कोटा में, उनमें क्या है जितने भी आदमी है, क्या हुआ आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा ना, थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जा, इसकी तरफ कैमरा घुमा दे। अभी मैं बालाजी के मंदिर के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे ये कंडीशन है, बस भाग्य भूत। तो भाई पता है मेरे ये वाली जो सपोर्ट में जो कमी है ना, वो मुझे अभी क्या है अपने यहाँ पर थोड़ी ज्यादा लग रही है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कोई सपोर्ट नहीं करता, जितने भी मेरे फॉलोवर है 8% पे, उनमें सब लड़के सपोर्ट तो करते हैं, पर वो रहता है ना एक, वो तो है ही सही, पर उनके बाद में 14 लाख आदमी यहाँ पे कोटा में, वो आदमी भी तो सपोर्टिव रहना चाहिए ना। अरे एक बार बता, जो अच्छा जो अभी अपने साथ में नहीं है, मतलब अच्छे काम में अगर साथ नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि उसको बुरा पसंद है, वो बुरा आदमी है, है नहीं? तो कोटा की पब्लिक से अपने इस चीज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं ब्रो? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई अपने कोटा के अंदर जो कोटा का आदमी है वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो अपन सपोर्ट करना चाहिए, अपन को प्राउड होना चाहिए कि भाई अपना कोटा का आदमी इसको सपोर्ट करना चाहिए, इससे नहीं कि इसको सपोर्ट मत करो, ये तो यू ही है गिराने की कोशिश, चपरी अपरी है, ऐसे नहीं होता यार, तो सपोर्ट करना चाहिए। मेरे को तो प्राउड होता है कि हाँ भाई अपने कोटा में भी है कोई व्लॉगर राइडर हुए, अब अपने कोटा में भी प्राउड होता है। तो एक चीज बता, बहुत सारी चीजें रहती है, आज गाड़ी मॉडिफाई कर लो या फिर कोई भी चीज है, बहुत सारे कट मारना है। अब आजकल क्या है छोटे छोटे बच्चों को वो पसंद होता है। अभी अब बता, अगर वो चीज है अब देखोगे वही तो तुम करोगे। सही बात है। अब कल करते हैं किसी के जैसे मान परमानेंट टांगे खत्म हो गई तो उसका जिम्मेदार तो एक तरीके से मैं ही हूँ भाई, अगर मैं गलत करूँ। सही बोल रहे भैया।
वो आपको देखकर करेगा तो उसके जिम्मेदार आपको ही बनना पड़ेगा, क्योंकि समाज में गंदगी फैलाने वाला बन गया ना फिर इसका मतलब तुम। और पता है भाई, भले कम सपोर्ट हो, आज लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आ जाता है, पर सही चीजें करने में फायदा है, क्योंकि बढ़ाओ बाको मतलब कम से कम थोड़ी घनी डंकी तो सिखाओ। और जे ना सिखा सके वो तो उसे भी डांडा रहे, और डांडा आंसू तो कहीं कबू है नहीं है भाई। तो इसके अलावा फाइनली कुछ और कहना चाहते हो? फाइनली तो ये कहना चाहूंगा कि अच्छा लगा आपसे मिलके, और अगली बार मिलेंगे जब घूमने चलेंगे फिर कहीं। बिल्कुल बिल्कुल घूमने चलेंगे, अभी क्या है धीरे धीरे मैं चीजों को बढ़ा तो रहा हूँ यार भाई, पर पता है जैसे जैसे चीजें की सुविधा रहती है वैसे वैसे मजा आता है। अभी आज मैं तुम लोगों को जैसे साथ भी लेता हूँ या कहीं जाते भी हैं, तो उसमें यूँ रहता है कि अभी मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले लूँ, तो जिस दिन आ जाएगी उस दिन तुम लोगों के साथ में घूमेंगे फिरेंगे भी है नहीं। मैं तो एक बार किसी से मिल लेता हूँ ना, तो मान लो उसको मैंने भाई बना लेता हूँ, उसको भाई मान लेता हूँ उसको। पता है भाई इसका मतलब है कि तुम्हारा मन साफ है, जिसका मन साफ नहीं रहता ना वो कहीं जे वो और हमारा भाई फिर जाता ही अरे बाढ़ रोटी जान कहाँ स्वागी हुई होता है नहीं होता भाई ब्रो, ऐसा होता है ऐसा तो आदमी नहीं बनना चाहिए ब्रो। और तुम कुछ कहना चाहते हो ब्रो? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो जिसको देखना है आज का फुल व्लॉग वो अपने यूट्यूब चैनल कोटा राइडर्स को सब्सक्राइब कर लो, और जिसको करना है कल अपन से मीटअप वो अपने इंस्टाग्राम रील पर कमेंट करो, और भाई लोग सपोर्ट करना है तो ढंग से करो, नहीं करना है तो कतई मत करो है नहीं है। पर पता है भाई एक बात को, मेरी बात को सीरियसली लेना, कि अगर आपस में जलोगे ना तो मरोगे सबको साथ लेके, ये चीज कन्फर्म है। बाकी सारी पब्लिक को जय श्री राम। राइडर हो गए अब अपने कोटा में भी प्राउड भाई। तो एक चीज बता, बहुत सारी चीजें रहती है, आज गाड़ी मॉडिफाई कर लो या फिर कोई भी चीज है, बहुत सारे कट मारना है। अब आजकल क्या है छोटे छोटे बच्चों को पसंद होता है, अभी अब बता अगर वो चीज है अब देखोगे वही तो तुम करोगे। सही है। अब कल करते हैं किसी के जैसे मान परमानेंट टांगे खत्म हो गई तो उसका जिम्मेदार तो एक तरीके से मैं ही हूँ भाई, अगर मैं गलत करूँ। सही बोल रहे भैया, नहीं वो आपको देखकर करेगा तो उसके जिम्मेदार आपको ही बनना पड़ेगा, क्योंकि समाज में गंदगी फैलाने वाला बन गया ना फिर इसका मतलब तुम। और पता है भाई, भले कम सपोर्ट हो, आज लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आ जाता है, पर सही चीजें करने में फायदा है, क्योंकि बढ़ाओ बाको मतलब कम से कम थोड़ी घनी डंकी तो सिखाओ। और जे ना सिखा सके वो तो उसे भी डांडा रहे, और डांडा आंसू तो कहीं कबू है नहीं भाई। तो इसके अलावा फाइनली कुछ और कहना चाहते हो? फाइनली तो ये कहना चाहूंगा कि अच्छा लगा आपसे मिलके, और अगली बार मिलेंगे जब घूमने चलेंगे फिर कहीं। बिल्कुल बिल्कुल घूमने चलेंगे, अभी क्या है धीरे धीरे मैं चीजों को बढ़ा तो रहा हूँ यार भाई, पर पता है जैसे जैसे चीजें की सुविधा रहती है वैसे वैसे मजा आता है। अभी आज मैं तुम लोगों को जैसे साथ भी लेता हूँ या कहीं जाते भी हैं, तो उसमें यूँ रहता है कि अभी मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले लूँ, तो जिस दिन आ जाएगी उस दिन तुम लोगों के साथ में घूमेंगे फिरेंगे भी है नहीं। मैं तो एक बार किसी से मिल लेता हूँ ना, तो मान लो उसको मैंने भाई बना लेता हूँ, उसको भाई मान लेता हूँ उसको। पता है भाई इसका मतलब है कि तुम्हारा मन साफ है, जिसका मन साफ नहीं रहता ना वो कहीं जे वो और हमारा भाई फिर जाता ही अरे बाढ़ रोटी जान कहाँ स्वागी हुई होता है नहीं होता भाई ब्रो, ऐसा होता है ऐसा आदमी नहीं बनना चाहिए ब्रो। और तुम कुछ कहना चाहते हो ब्रो? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो जिसको देखना है आज का फुल व्लॉग वो अपने यूट्यूब चैनल कोटा राइडर्स को सब्सक्राइब कर लो, और जिसको करना है कल अपन से मीटअप वो अपने इंस्टाग्राम रील पर कमेंट करो, और भाई लोग सपोर्ट करना है तो ढंग से करो, नहीं करना है तो कतई मत करो है नहीं है। पर पता है भाई एक बात को, मेरी बात को सीरियसली लेना, कि अगर आपस में जलोगे ना तो मरोगे सबको साथ लेके, ये चीज कन्फर्म है। बाकी सारी पब्लिक को जय श्री राम।